संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहां बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है, और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरह ये एक्वेरियम अवस्थित है, और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है, इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है, और अच्छे से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा हैं, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है, और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनोखी अनूठी दुनिया है। सप्ताह सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है, और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है। Thank you.
झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं, जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार।